हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेम रिजन। तो दोस्तों, आज जो आप देख रहे हो, हम आज जो है कैप बनाने वाले हैं। बेसिकली जो ये मेरा कैप है, ये मेरा जो टिगर पम्प का जो मेरा कैप आती है, जो टिगर पम्प होती है जो सैनिटाइजर वगैरह बोतल के लिए यूज़ करती है, तो इसका कैप है। तो मैं डिज़ाइन कर रहा था, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दिया इसको। तो बेसिकली इसमें सारा थ्रेड है, ये सब क्या है, गियर मैकेनिज्म लगाऊंगा इसमें मैं, तो सारा वगैरह थ्रेड वगैरह बना के रखा हुआ, आप देख पा रहे हो अंदर। तो इसको जो है हम स्कैनिंग करके बनाते हैं बेसिकली। तो मैं इसमें स्कैनिंग करके नहीं बनाऊंगा, तो मैं आपको इसमें मैन्युअली बना के दिखाऊंगा कैसे क्या कमांड यूज करना है, कहाँ पे क्या होती है। दूसरी चीज, इस वीडियो में आपको मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कितना टाइप का थ्रेड होता है, क्या पैरामीटर होती है, ठीक है ना। तो हम बताएंगे। नेक्स्ट चीज जो आती है, जो आप स्ट्रेन लगाते हो, हर एक मेटेरियल का स्ट्रेन प्रॉपर्टीज होती है। पीसी का अलग होता है, आपका पीपी का अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 8% निकल के आते हैं क्या होती है ना, तो ये सारा कैलकुलेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा देखना है वीडियो को, क्या क्या होता है तभी आपको समझ में आएंगे। तो सारा कुछ इसमें बताऊंगा, कुछ कुछ पैरामीटर आपको मिल जाएंगे लास्ट मेरे वीडियो में भी, वहां से मैं आपको रेफरेंस दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इम्पोर्टेंट ये है, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है सेम डिजाइन करके, मैं लिंक डाल दूंगा, वो लोग फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह डालते रहता हूँ। जब भी जॉब वैकेंसी आते हैं तो वहाँ पे मैं स्टोरी वगैरह डालते रहता हूँ। मेरा जब भी वीडियो आते हैं नया, कुछ मैं चीज़ें मैं डेवलप करता हूँ, वहाँ पे अपडेट मिल जाती है। तो जो लोग को जुड़ना है, मेरा इंस्टाग्राम टाइटल नीचे मिल जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ पे जाके वो जुड़ जाए। तो इसमें अपने पास जो है कैब आती है, उसमें हम अलग अलग तरीके से ट्रेड मिलती है ना, कितना टाइप का थ्रेड मिलती है, कौन सी थ्रेड हम जनरली यूज़ करते हैं, कौन सी थ्रेड के क्या पैरामीटर होते हैं, कितने एमएम थ्रेड के लिए आप जो अब देखो, थ्रेड बनाना तो अलग चीज़ होगी, पर जो आप थ्रेड बनाओगे वो इंजेक्शन मोल में प्रैक्टिकल हो, मतलब वो मोल पे काम करे। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे भी बना लोगे मोल में काम करेंगे। तो इसकी डेप्थ और इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है आप इंजेक्शन कैसे करोगे। कोई कोई 11 इंजेक्शन करता है, कोई कोई स्लिप चलाता है ना, कितने एमएम का होना चाहिए। अगर जो आप कैप बनाते हो, जैसे अभी जो मार्केट में चल रहा है सैनिटाइजर कैप हो गई है ना, तो अब जो है डिस्पेंसर आ गई, ट्रिगर का आ गई, तो सारे में क्या लगती है, कैप लगती है, मतलब कैप सी वो बनती है। तो इसमें लास्ट टाइम हमने जो बनाया था, इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, थ्रेड लगाते हैं। अब थ्रेड डिपेंड करता है आप कौन सी मटेरियल में बना रहे हो। तो कभी कभी हमको क्या बनाना पड़ता है, पीपी में बनाना पड़ता है, कभी कभी हमको पीसी में बनाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो है, अभी बेसिकली मैं 28mm का बनाऊंगा, और जो मैंने मेटेरियल लगाऊंगा मैं पीपी में लगाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली जो पीपी यूज करते हैं, तो मैं जैसे ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा इसको, क्योंकि ऐसे में अगर डिस्कशन करते रहेंगे तो ये लंबा बनते जाएंगे, तो हम बनाते बनाते डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा जो है रिवॉल्व वाला कमांड लगाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं एक रिवॉल्व कमांड लगाऊंगा सबसे पहले। तो अभी जो मेरा इनसाइड है, तो इसका हाइट कितना है, और ये जो है लगभग मेरा यहाँ से है 28mm का है, ठीक है ना। तो मैं इनसाइड कितना लूंगा, 28mm का लूंगा मैं, ध्यान रखना इसको। तो मैं 28 का अलग कितना होगा, 14mm में लूंगा, ठीक है। तो बेसिकली 14.2 या 14.3 आता है, क्योंकि उसमें आप स्ट्रिंकेज भी मारते हो, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। और इसको हम लेंगे 20 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और यहाँ पे इसको लेके मैं इसको जो है कनेक्ट कर दूंगा। अब इसमें मैं कोई ड्राफ्ट वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, ड्राफ्ट हम बाद में डालेंगे, बताऊंगा मैं उस केस में भी क्या करना होता है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली जो है यहाँ पे रिवॉल्व कर देते हैं, ये वाला लेके, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रिवॉल्व कर देता हूँ। तो एक जो है बेसिकली मेरा कुछ कैप के शेप में आया है। अभी क्या करना है इसमें, देखो अभी अपने को क्या है, थ्रेड वाले काम बाकी है, और ऊपर से हम वो दूसरी चीज भी करेंगे। अब देखो नीचे जो आप कभी भी कैप देखते हो ना, तो नीचे देखना थोड़ा 0.2-0.3 ज्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें आप ड्राफ्ट लगाते हो, तो हमेशा जब भी प्रोडक्ट रेंज करते हो तो आपको ड्राफ्ट लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट मैं पहले लगाऊंगा, अगर ड्राफ्ट आप बाद में लगाओगे ना, तो क्या होगा, आपकी जो थ्रेड काटोगे ना उसमें दिक्कत आएगी, तो आप पहले लगा लो। तो पता है प्लास्टिक पार्ट में 0.5 से लेकर 3mm तक ड्राफ्ट रहता है, तो ऑलरेडी जिसको पता होगा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें ड्राफ्ट लगाएंगे, ड्राफ्ट हमको बाहर की तरफ लगाना है, क्योंकि पार्ट ऐसे इंजेक्शन होगा, देख रहे हो यहाँ पे बाहर की तरफ लगेगा। तो 0.5 ही लगाऊंगा मैं। अब 0.5 जैसे मैंने लगाया, अब यहाँ का ड्राफ्ट आप जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कितने का आएगा। आप यहाँ पे देखो लोकल रेडियस कितने का आ रहे, 1.2, मतलब 0.17 आ गई। अब समझ गया ना आपको क्या लगाना होता है, कैसे क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं हम। नेक्स्ट केस जो है यहाँ पे, जो मेरा कैप है, मैं अभी जो कैप है मैं वो वाला कैप नहीं बना रहा हूँ, ये सैनिटाइजर वाला कैप लगा बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा ड्राफ्ट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें 2 का ड्राफ्ट लगाऊंगा, 2 इज फाइन, 2mm काफी है। तो अगर कितना डिग्री एंगल लगाना है, इसके लिए आपको क्या रेडियस गज चाहिए है ना, वहाँ पे आप रेडियस गज वगैरह से आप निकाल सकते हो। तो इसको मैं 1.5 के आसपास लगाता हूँ,
ठीक है। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे मैंने 1.5 का जो है ये मैंने लगा दिया है दोस्तों। दूसरा चीज जो है यहाँ पे मुझे एक कट करना है। अब इसकी जो थिकनेस है कितना थिकनेस रखना चाहिए, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था आप अब देखो अभी मैं हर चीज जो है एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी वीडियो को देख रहा है मेरा पहला वाला वीडियो देख ले, मैंने एक बार इसको ऑन करके देखा था कौन सा वीडियो देखना है सारा कौन सा आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ आना है ठीक है, सबसे पहले तो इसको ओके करना है, यहाँ दोनों को दबाना है ठीक है। उसके बाद जो है मैं दिखाता आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है सिंपली जाके ये वाला वीडियो देखना है, ये वाला वीडियो देखना है। इसमें आपको मिलेगा क्या देखो मैं इसको मूट कर लेता पहले, तो इसमें यही मिलेंगे जो मेरा कैलकुलेशन है सारा आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा या देख पा रहे हो तो सारा चीजें का कैलकुलेशन मिल पाएंगे, कितना सा कॉर्नर में कितना रेडियस होना चाहिए, आउटसाइड रेडियस कितना लगाना चाहिए, इसके थिकनेस के हिसाब से वो होता है। तो ये सारा एक बार आप देख लेना ठीक है, कितना क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, कैसे रोगा तो क्या लगाओगे, तो इसको एक बार जब पल लोगे देखो ड्राफ्ट लगाओ तो बॉक्स लगाओ तो कितना लगाओगे सारा कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो वहां से एक बार आप जाके देख सकते हो। तो जो भी नहीं देखा ये वाला वीडियो वो पहले देख ले क्योंकि इसमें मैं ऐसे करके हर एक बना कर रखा हूं, तो ये आपका बहुत काम का है ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम थ्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे और थ्रेड भी बनाएंगे ठीक है। चलो बॉक्स वगैरह क्या होता है प्लास्टिक डिजाइन में आपको पता होना चाहिए, तो मैं इसको बताऊंगा। ये वाला वीडियो अगर देख लोगे तो बहुत बढ़िया है, फिर सारा कहानी आपको समझ में आएंगे ठीक है। ठीक है तो अभी यहाँ पे देखो अपने को थिकनेस कितना लगाना है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने कौन सी मेटल लगा रखा हूँ, पीपी लगा रखा हूँ। अब पीपी के लिए थिकनेस क्या होता है ना, पीपी लगा रहे तो पीपी के लिए थिकनेस क्या होना चाहिए, तो पीपी के लिए जो बेसिकली थिकनेस आता है देखो देखो क्या है ये पी एलडीपी एचडीपी जो होती है ना हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन पॉलीकार्बोनेट के लिए कितना लगाते हैं। देखो पॉलीकार्बोनेट अगर मेटेरियल आप यूज कर रहे हो कैप बना रहे हो पीसी से तो हमेशा उसको क्या रिजेक्शन करना, जिसको मोल्ड डिजाइन वाले स्टूडेंट है जो क्लास लिए उसको पता होगा। तो पीसी वाले केस में हम क्या लगाते हैं, गैल लगाते हैं। अगर आपको एबीएस लगा रहे हो ठीक है वहां पे भी मेरे हिसाब से तो गैल लगाना चाहिए, बट थिकनेस कम है, अगर थ्रेड जो आपको थिकनेस कम होगा ना तो आपको वो स्लीव रिजेक्शन में चल जाएगा ठीक है, वो भी चीजें आपको ध्यान रखना है इसमें। देखो मैं जो है डिजाइन तो बनाऊंगा, वीडियो थोड़ा ये सब चीजें मैं आपको ऐड करके बताऊंगा तभी तो आपको समझ में आएंगे ना, तो ऐसे तो समझ में आता नहीं है कुछ भी। तो आपको अब देखो पीपी में क्या है, कितना ले सकते हैं मिनिमम थिकनेस 0.6 से लेकर 7.6 तक ले सकते हैं, तो हम जो यहाँ पे 1.7 की अप्रोक्सीमेटली लूंगा मैं ठीक है। तो पीपी में क्या है, मेटल जो है हल्का है तो इस केस में हम जो है स्लिप से इजेक्शन कर सकते हैं ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल लगा रहा हूँ तो 1.7 है तो ऑलरेडी 1.7 है तो मैं इसको लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं जो मेरा ये है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं 1.5 का लगा दिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरा ऊपर जो मेरा होल है यहाँ पे मेरा कुछ चीजें जो है मुझे कट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछोगे कट क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ऊपर से जो है मेरा एक अलग सा कंपोनेंट आता है जिसमें इसके ऊपर चिपकता है ठीक है, तो मुझे वो बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी मैं डायामीटर लूंगा ठीक है। तो ये कुछ 20 का है तो मुझे इसको काटना पड़ेगा, फिर तो मैं इसको एक्सट्रूड काट करूंगा ठीक है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे सबस्ट्रेट कर दूंगा ठीक है, आराम आराम से बना रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं करवा रहा हूँ ठीक है। और इसके ऊपर जो है कोई सा भी आपको देखो अभी पहले देखना है यह जो पार्ट है ड्राफ्ट के इधर इस पार्ट में ड्राफ्ट है, देखो ड्राफ्ट तो है आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे ड्राफ्ट है तो ऐसे आपको ड्राफ्ट बना के ड्राफ्ट लेके बनाना पड़ेगा। और इसका जो रेडियस है मैं इसको कम करूंगा ठीक है, क्योंकि जो इनसाइड है हमेशा कम रहती है, लास्ट वाला वीडियो देख लो पता लग जाएगा ठीक है। तो हमेशा इनसाइड वाला कम होती है, ज्यादा मत करना है ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको जो है ऊपर का कैप बनाया। अब इस कैप में अब जब देखो अभी जो कैप होता है आप इसको घुमाओगे क्योंकि इसमें आपके इसके नीचे से आपको स्ट्रॉ आएंगे जो आप पाइप लगाओगे ना, तो आपके पास स्ट्रॉ आएंगे तो आपको तो घुमाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, मैं यहाँ पे एक स्केच ले रहा हूँ ठीक है, स्केच ध्यान लो ऊपर आना चाहिए। तो मैंने स्केच ऊपर बनाया। अब अपने को करना क्या है, एक मुझे इसकी ऑफसेट मानना है, जो ये कर्व है ना इसकी मुझे एक ऑफसेट मानना है। तो ये सिमेट्री को आप कर दो, ये लगभग 0.5 का है तो इसको हम 1 mm का ऑफसेट मारेंगे ठीक है। तो इसको मैंने ऑफसेट मार लिया और ये जो कार्व है इसको मैं कर दूंगा प्रोजेक्ट। आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये थ्रेड जो ऊपर का जो आप रिब बनती है ना थ्रेड के ऊपर जो साइड में बनती है उसके लिए ये जरूरत पड़ता है ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, इसको अपने को करना है जीरो करना है पहली बात तो, और इसको आपको 2 mm का रिवर्स डायरेक्शन कर दो ठीक है। इसको आप कर दो यूनियन
देखो ये कम्प्लीटली आउटसाइड क्यों बता रहा है, ये देखो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो कम्प्लीटली आउटसाइड बता रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्ट है और इस फेस में ड्राफ्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे इस केस में जो है ऑफसेट लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो है ये इसको हटाना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ इसको कैसे करना है, मैं स्नान कर लेता हूँ अभी के लिए। देखो अगर आप इसमें ऑफसेट लेके भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे गैप है ना, गैप है ना, यहाँ पे गैप है, गैप है। तो इसको आप अगर यूनिट करोगे तो यूनिट तो होगा नहीं, कभी कभी आप परेशान हो जाते हो कि सर क्या यूनिट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत हो रहा है। तो इस केस में इसको थोड़ा सा ऑफसेट कर लो, इसको ऑफसेट रिजन कर दो, मैं इसको पार्ट को हाइड कर दिया, 0.2 का ऑफसेट कर लो, ठीक है, अब यूनिट हो जाएगा। आप देखो कंट्रोल शिफ्ट के दबाया, मैं इसको ले आया, देखो देखने में आपको बोलेगा तो बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं है, सारा कुछ गलती प्रोडक्ट डिजाइन में गलती होता है ना, तो मोल्ड में तो गलती निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने ये बना लिया, अब देखो यहाँ पे भी तो ड्राफ्ट चाहिए मुझे, तो यहाँ पे भी तो मुझे ड्राफ्ट देना पड़ेगा, ये वाला ले लो और ये स्पेस 0.5 का बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड लगाऊंगा मैं, थोड़ा सा, वैसे ब्लेंड नहीं भी लगाओगे तो मोल्डिंग में ब्लेंड आ जाती है, लेकिन ब्लेंड लगा के काम करना सीखो आप, ब्लेंड लगा के काम करना आप लोग सीख लो अभी से, कि ये ब्लेंड लगा के काम हर जगह आता है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो सर बहुत मोटा हो गई, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 11 लगाएंगे, 11 रिजेक्शन करने के लिए बताऊंगा अभी क्या सिस्टम लगाऊंगा यहाँ पे, पूरा वीडियो देखो, 10 मिनट ऑलरेडी हो ही गया, क्योंकि सारा कहानी हम टेक्निकली बना रहे, ठीक है। तो टेक्निकली जब कुछ चीज बनाओगे तो सारा कुछ चीज आपको देखना होता है। अब मेन चीज तो आएंगे इसमें थ्रेड, तो थ्रेड से पहले मैं इसकी बाहर की जितना भी काम है मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बाहर का काम देखो मेरा क्या बाहर का काम रह गया, अब अपने को करना ये है यहाँ पे सिंपली एक स्केच लेना है इस जगह में, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्केच ले लिया, अब इसको जो है मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा बेसिकली, तो यहाँ पे इसकी सेंटर देखना है आपको, सेंटर कहाँ है यार, इसको सेंटर निकालना पड़ेगा, ये वाला ऑन कर लूँगा, है ना। तो यहाँ पे जो है हम ये वाला रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। तो इसको जो विड है हम लोग 1.5 का ले लेंगे, ठीक है, 1.5 का ले लिया। और जो हाइट है, हाइट को अभी लेने दो आप, इसको जो है हम 0.6 का, ठीक है, तो 0.6 का मैंने ले लिया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें मैं जो है स्केच है इसमें ही मैं अभी से काम कर दूंगा, क्योंकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, तो मैं इसको जो है स्केच में ही कर दूंगा। तो ये 0.25 का ले लो आप यहाँ पे, और इसमें भी आप 0.25 का ले लो, ठीक है ना। तो 0.25 का मैंने ले लिया है, अब इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। अब एक्सट्रूड कितना करना है, ठीक है ना, एक्सट्रूड हम करेंगे लगभग ये 15 mm के अप्रोक्सीमेटली करेंगे, 15 है यहाँ से, तो कुछ mm मैंने छोड़ के रखा हो, तो इसको मैं कितना करूँगा फिर 13 mm का करूँगा मैं। अब देखो इसमें भी कहानी है, तो हम दिखाएंगे इसको क्या कहानी इसमें बाकी है, ठीक है। अभी मैं यूनिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बाहर नहीं आना चाहिए, तो बाहर नहीं आ रहा है मेरा, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये जो मुझे चीज लग रहा है यहाँ पे भी जो ड्राफ्ट चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पे ड्राफ्ट होना चाहिए, है ना, ड्राफ्ट तो करना पड़ेगा आपको। तो ड्राफ्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको हाइड कर देंगे अभी के लिए। तो सारा चीज आपको एक साथ सोच के बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप ऐसे भी कुछ भी बना लोगे, तो वो सारा कुछ चीजें आपको सोच समझ के बनाना पड़ता है, यही तो बात होता है डिजाइन करने वाले की, ठीक है ना। देखो 0.5 इसको मैं अगर 1 का भी ड्राफ्ट कर दूंगा तो मेरा प्रोडक्ट कैसे बन जाता है पहले ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का नहीं लगाना है वैसे, मैं देख रहा हूँ 1 का बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत कंपोनेंट पतला है, 0.5 इज ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे एक चीज मुझे और है, यहाँ जो ये कंपोनेंट है इसको मुझे थोड़ा सा ना रेप्लिका बनाना पड़ेगा, मतलब ये जो है ड्राफ्ट इसको मुझे पार्टिकुलरली यहाँ पे और लगाना पड़ेगा। देखो क्या कर रहा हूँ मैं,
सारे कुछ चीजें आपको सोच समझ के बनाना पड़ता है। टेंजेंट को हटा दो, सिंगल फेस कर दो। ऑलरेडी है ड्राफ्ट, तो यहाँ ड्राफ्ट तो लगेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ड्राफ्ट है वैसे, कोई बात नहीं। अब इसको आपको काटना पड़ेगा लाइक इस तरीके से, काटेंगे इसको भी। तो काटने से पहले जो है इसको हम कर देते हैं कुछ लाइक इस तरीके से, तो इसको तो अपने को काटना पड़ेगा ही। या अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज को जो है मैं ऐसे बनाऊं, मैं चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीज है मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अंदर ले आऊं, सी दबा के आप इसको ऑन कर सकते हो और इसको कौन सी रैंक कर सकते हो, ये और ये जो लाइन ऑन लाइन वाला जो है इसको आप कौन सी रैंक कर सकते हो। थोड़ा स्लो हो गया आई गेस, ठीक है, तो ये सेंटर पे आ जाएगा, डन। इस तरीके से आप इसको बड़ा कर सकते हो। और अगर चाहो आप इसका जैसे 0.6 लिया हो मैंने, तो इसको आप बड़ा भी सकते हो। मैं लेट से मैं 1 ले लूंगा, तो इसके 1 लोगे तो इसका भी आप रेडियस बढ़ा सकते हो। तो ये तो आपके ऊपर है, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और रही बात इसको, चलो मैं देखता हूँ इसको पहले कैसे डालना है। शिफ्ट के, अब मुझे सही लग रहा है, पहले से तो सही लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे हम बनाएंगे, चारों तरफ से हम जो है इसमें ऐड करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, ब्लेंड लगा दिया मैंने, फिर जो है दाब भी लगा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर से इसको काटना है बस, तो पहले काटने से पहले जो है इसको मैं एरे लगाऊंगा, है ना, एरे लगाने से पहले इसको काटना तो पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवॉल काट कर देंगे सॉलिड बनाने के बाद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न ज्योमेट्री करेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया आपने, तो यहाँ पे हम ये ले लेंगे और यहाँ पे आप सेंटर ले लो, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे लगभग 20, ठीक है, एक सफिशियंट गैप आना चाहिए। अब देख लो गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर का जो है ऊपर का गैप का हुआ है। अब थोड़ा आप बढ़ा सकते हो, मुझे लगता है कम आ रहा है, तो इसको मैं 24 कर लेता हूँ, अब मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। अब इसको आप यूनिट कर लो। अब यूनिट क्यों करोगे, अदरवाइज नहीं तो आप काट कैसे लगाओगे इसमें, है ना, तो आपको यूनिट करना पड़ेगा। अब देखो हम इसमें काट लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे रिवॉल लगा चलाऊंगा, स्केच ये लूंगा। अब आपको देखना ये है, ये आपका जो कार्व है, ये वाली कार्व से यहाँ तक लेके थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। अब इसके साथ इसको टेंजेंट स्केच पे एग्जिट करके यहाँ पे साथ इसको टेंजेंट करना है, ठीक है। तो टेंजेंट नहीं करोगे तो आपके काम नहीं बनने वाला है। तो अगर आपको टेंजेंट करना है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्व भी यूज कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे आप ऐसे यूज कर सकते हो। बट मैं जो है यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा, इसको थोड़ा ऐसे किस के कराऊंगा, ठीक है। ये वाला तरीका आप यूज कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। बहुत सारा तरीका है वैसे तो, ठीक है। तो अभी जो हम क्या करेंगे इसको, और अगर उससे भी आपको इसकी वो निकालना है, आप इसको सेक्शन काट सकते हो, सेक्शन काट के इसकी वो निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, अब यहाँ पे एक लाइन बना लूंगा। बेसिकली जरूरत नहीं है, मैं तो काट ही जाएगा। अब इसको आप घुमाओ, ये वाला लाइन लेना है और इसको सेंटर, वो वाला सेंटर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इससे, इससे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो टच हो गई, इसको आपको ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हो, नहीं तो स्केच को आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्केच को एडिट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा जो है आपको स्केच को इफेक्ट करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर इसको ठीक करना है तो आप यहाँ पे स्प्लिट बॉडी यूज करके इसके कार्व एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो वाला आप तरीका यूज कर सकते हो। अपने को क्या करना है, यहाँ पे जाके
सी दबाना है, यहाँ पे ये वाला कमान आता है पॉइंट टू पॉइंट कोइंसिडेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सेंटर अभी सेंटर ले लिया है, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर दिया हूँ, तो डिलीट से भी हो जाएगा अपने को, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है आपका। अब इसको मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि रिप्लेस नहीं करूंगा यहाँ पे ड्राफ्ट है, अगर मैं इसके हिसाब से इसको रिप्लेस कर दूंगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है मुझे, वैसे कर भी सकते हो लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर देख रहे हो, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, अगर करना है तो आप कर लो। है ना, तो इसको आप कर सकते हो अगर करना है तो, मैं बता रहा हूँ तरीका, यही तो होता है पार्ट डिजाइन में एनएक्स में, अच्छा मतलब बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है। अब देखो छोटी सी चीज बनाने में इतना टाइम जा रहा है, अब मानो सोचो मैं इसमें पूरा 11-12 सब कुछ बनाऊंगा, ठीक है ना, तो इसीलिए तो प्रोडक्ट डिजाइनर जो होता है सब कुछ आपको देखना पड़ता है, सारा कुछ चीजों। अभी देखो हम अभी इसमें और काम बाकी है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो अभी आप ऊपर से देखो सारा कुछ चीजें आपको देखो ड्राफ्ट वाफ सब मिल रहा है ना। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्लेन लगा सकते हैं, ये देखो आप थोड़ा सा अगर ब्लेन लगाए कोई दिक्कत है अगर मैं 0.2 का ड्राफ्ट लगाऊ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है मतलब बेसिकली अच्छा मिलेगा आपको, तो आप लगाओ 0.2 में सबके ड्राफ्ट लगाओ, ठीक है, सब में आप 0.2 का ड्राफ्ट लगाओ, तो लाइक इस तरीके से आपको सब में लगाना है। और ध्यान रखे ये चीज इसमें चिपकते रहे, मतलब अगर आपने ड्राफ्ट किया हो ना तो यूनिट करो, जो से मैंने यूनिट करवाया ना वैसे ही करवा लेना, अगर ये चिपक के नहीं रहेगा ना तो फिर आपकी सारा गड़बड़ी लग जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इसमें। अब जब हम थ्रेड की बात करेंगे तो थ्रेड में, अब जैसे हम थ्रेड में आएंगे तो थ्रेड में बनेंगे, थ्रेड में अलग से आता है, स्क्वायर थ्रेड आता है, अमेरिकन थ्रेड होता है, वो सब में क्या डिफरेंस होता है, क्या पैरामीटर आती है, तो बात करेंगे हम अभी इसको बनाने के बाद ही। तो हम बेसिकली तो यहाँ पे जो है थ्रेड यूज करते हैं वो अमेरिकन थ्रेड यूज करते हैं, है ना, जो कास्टिंग पार्ट होता है तो वहाँ पे तो करते हैं, तो वहाँ पे अमेरिकन थ्रेड चलता है, और जो से कि लीवर वगैरह होता है ना, स्क्रू जैक वगैरह होता है ना, जिसमें गाड़ी वाड़ी की जो आप उठाते हैं उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, इसमें हम लगाते हैं स्क्वायर थ्रेड लगाते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, तो मैं पहले इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, लगभग हो ही गया अपने को, बस दो बाकी है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, जब भी आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हो ना तो आपको ये दिमाग में रख के बनाना है कि आप इसकी मोल्ड कैसे निकालोगे, मतलब इसकी आप मोल्ड डिजाइन कैसे करोगे, तो ये आप जब दिमाग में सोच के बनाओगे ना तभी आपकी कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन आपको गलत नहीं होगा, मतलब गलत होने के चांस ही नहीं रहता है, तो ये चीज आपको ध्यान रख के बनाना है जब भी प्रोडक्ट डिजाइन करो, ठीक है ना। तो मेरा जितना भी क्लास है जो मैं प्रोडक्ट डिजाइन करवाता हूँ, जो मतलब कंप्लीट मोल्ड प्लस प्रोडक्ट करता है, तो उन लोग को पता होगा मैं ऐसे ही कराता हूँ। तो अभी जैसे हम इसको करा रहे हैं, बेसिकली ये एक फाइल है जो टिगर पंप की टिगर की मोल्ड है उसकी कैप की ये फाइल है, तो इसको हम कर रहे थे, तो मैं लोग के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो अपने पास ये जो है ऊपर दिखाइए ये बन गया अपने को। अभी अभी दोस्तों अपने इसको थ्रेड बनानी है, तो थ्रेड बनवाने से पहले मैं इसमें एक चीज करूंगा, अब यो क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे कट लगाना पड़ेगा, अब यार समझ में नहीं आया कट क्या लगाओगे, है ना, मतलब क्या कट लगाओगे आप, इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा मैं अभी एक कट लगाऊंगा, अब ये कट क्या लगाऊंगा, ये कट लगाना जरूरी होता है, जब भी आप कभी थ्रेड देखना कोई भी कैप, अभी आपके पास कोई कैप होगा ना तो कैप को जाओ अपने से, उसको कैप को जाके एक बार देख लो क्या है कैप में और क्यों है, मतलब क्यों लगाए इसको, कुछ तो रीजन होगा उसको बनाने का, तो वो देखो एक बार जाके आप लोग, वहां पे जो है खासा सा काटा हुआ है, आप जाके एक बार देखो फिर मुझे पूछोगे ये क्यों बनाए, क्या रीजन है इसको बनाने में, क्या काम आता है,
है ना, तो फिर बताऊंगा मैं इसको एक बार। तो इसको मैं मान लो एक ही का कर रहा हूँ, इसको मैं 1.5 ज़्यादा हो जाएगा, 1.3 का कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1.3 का मैंने कर लिया है। अब सिंपल मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा जो मेरा ये वाला ऑन करना है। यहाँ से मुझे एक मुझे लगता है शंता से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ ऑफसेट, ठीक है। अब इसको ऑफसेट में करूंगा लगभग 2.5 सिमेट्री मारूंगा मैं, ठीक है। तो 2.5 mm आज काफी है आई गेस, मेरे हिसाब से तो काफी लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम 5 mm का कर लेते हैं अभी के लिए। अब इसके बाद जो है इसको मैं इस लाइन को मैं एज ए सेंटर लाइन बना लूंगा, मतलब इसको मैं एज ए सेंटर लाइन बना लूंगा। अब इसको मैं कर देता हूँ एक्सटेंड, राइट। अब बाकी का जो पोर्शन है इसको आप ट्रिम कर दो, डन। अब ये जो है ये मैंने क्या बनाया है, मतलब है क्या चीजें है जो बनाया मैंने, है ना, कुछ तो होगा, मैं तो ऐसे ही नहीं बनाऊंगा, है कुछ तो होगा ना ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। इसको 5 के जगह मैं इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको जो है चैम्फर कर सकता हूँ या मैं डाफ लगा सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चैम्फर कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पे चैम्फर कर सकता हूँ ऐसे लाइक कुछ इस तरीके से, मतलब इधर से करना पड़ेगा बेसिकली आपको। तो यहाँ से इसको मैं पकड़ के यहाँ ले आऊंगा और इसको कुछ ऐसे करके मैं बैन कर दूंगा। सैंपल लगाया तो सैंपल लगा सकते, मैं देखता हूँ एक बार क्या लगाऊंगा मैं पहले, अभी तो अभी तो बस मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे सबसे कर दूँ, देखो मैं करना क्या जा रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट है इसको, मैं अगर इसको हटा के देखता हूँ एक बार अभी के लिए, ठीक है। तो है क्या इसमें, मतलब क्या बनाया मैंने इसमें, देखो इसमें क्या बनाया, अभी तो काम बाकी है। अब मैं दाफ लगाया तो हमको इसको ऑफसेट करना पड़ेगा, एक का मैं ऑफसेट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के जो मैंने यहाँ पे इसको लगाया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम लगाएंगे एरे, ये काम करेगा आपका, देखो क्या होता क्या है, सब मूल में होता है ये, ठीक है। ये वाली सेंटर पॉइंट आपकी ये वाली। अब इसको कितना घुमाना है आपको, इसको मुझे घुमाना है 15, लेट्स से 15 भी बहुत ज्यादा है, उसको हम 10 कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं 10 कर लूंगा यहाँ पे, आप गिन सकते हो कितना है मेरे पास अभी जो कैप मैं देख के बना रहा हूँ। अभी मैं आपको ऐसे बना रहा हूँ लेकिन मैं इससे बढ़िया से मैं जो है हर चीज को गिन के कर रहा हूँ। अभी मेरे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है ना। तो इसको मैं 9 कर लेता हूँ, चलो कोई बात, ठीक है। तो हम जो इसको 9 कर लिए, तो अपने ने इसमें हमने 9 बना दिया, इसमें मतलब 9 टाइप का मैंने वो बना दिया। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ काम है मेरा, काम क्या है, ठीक है, काम क्या है, मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको मैं कर दूंगा सबस्ट्रैक्ट यहाँ से गायब, इसको हटा दो क्यूब टूल को, सारे को जो हटा दो, जहां जहां आपकी गियर की चलेगा वो उसमें आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया तो इसको मैं थोड़ा सा जो है कम करूंगा, ये लगभग मैं 2.5 का करूंगा, ठीक है। तो ये देखो नीचे से आपको ऐसे सपोर्ट लगाना पड़ेगा, कभी भी थ्रेड देखोगे तो आपको नीचे से पता लगेगा कि ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो गियर के लिए आपको लगाना पड़ता है ये सब सीरियस चीजें। तो अभी जैसे इसको लगाओगे यहाँ पे क्या है, ये अलग से काम करेगा, लेकिन दाफ लगाना है तो दाफ लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो बना सकते हो डायरेक्ट जैसे भी आपको लगे, ठीक ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसमें दाफ लगाएंगे, दाफ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको काम कैसे करेगा, स्लिप चलेगा तो चलेगा, ठीक है। अब लास्ट में जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ अभी, लास्ट में मुझे आप लोग बताओगे मैं इसमें मतलब क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या बोले इसको बाहर की तरफ करना है, इस तरफ आपको लगाना है ड्राफ्ट, अभी तो अभी कर पाओगे,
सारा जो है सिलेक्ट करके वन का मैंने लगा दिया था। अब देखो सारा चीज़ें जो है यहाँ पे काम आ गया है ना, तो यहाँ पे मेरा चलेगा सारा कुछ चीज़ें इस तरीके से। मेरा कैप का देखो नीचे आपका ऐसे बनते बन के जाता है। अब ये जो चीज़ है कितना एमएम का है, ऑलमोस्ट मैंने 1.7 का लगाया तो ये कम ही होगा। अब जो है इसको हम कलर पे डाल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे हम थोड़ा कलर कर देते इसमें। चलो मैं ये वाला डाल लेता है ना, तो इस तरीके से आपकी जो है कैप का वो बनाओगे। अब हम आएंगे थ्रेड पे, ठीक है ना, तो अभी हम अनथ्रेड में आएंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रेडियस लगता है, 0.2 का आप लगा सकते हो उस साइड में, क्योंकि थोड़ा बहुत प्लास्टिक में रेडियस होती है, कितना भी कर लो आपको रेडियस तो बन के आएंगे ही, ठीक है। अगर बनाना है तो थोड़ा बहुत दे सकते हो, आपको देख रहे हो आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर इसको थोड़ा सा कम करना है तो कम भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो ठीक है, कम करने का जरूरत है नहीं अपने को। अब जब भी और एक चीज़ दोस्तों, जब भी ये आपके सलता है ना, जैसे ये मैंने आपको सलाया है, तो इसमें थोड़ा सा ना एक अभी तो मैं वैसे करके दिखा रहा हूँ, पर डिजाइन में नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। तो मैं यहाँ पे जो है इसको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको जो है हम कर देंगे यार, मैं इसको 0.2 रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। देखना हाथ में छू के देखना, थोड़ा सा आपको नीचे मिलता है। जब भी आप हाथ से छू के देखोगे, एक थ्रेड नहीं, आप कितना 3-4 थ्रेड देख लो, सारा में जो है आपको ऐसे ही मिलेंगे। क्यों मिलता है, क्योंकि तो यहाँ पे फर्क पड़ता है आपको, जब भी आप थ्रेड लगाओगे ना। बोतल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बोतल वाली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जो दूसरी की वाली क्रैप आती है उसमें, जहाँ पे 11 से इजेक्शन होता है। बोतल वाले में तो आपको 11 नहीं चलता है, बोतल वाले कैप में तो डबल इजेक्शन चल जाता है, इसमें निकल जाती है डबल इजेक्शन। मेरा ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा हो, जिसको भी देखना है वहाँ पे जाके देख सकता है ना। जो ये आप ये जो काटते हो ना, इसका बहुत तरीका है, कोई ऐसे काटता है, कोई अलग तरीके से काटता है, वो आपको बहुत तरीका आता है। तो सबसे पहले हम इसकी सेक्शनिंग देख लेते हैं, कैसा है इसका सेक्शनिंग आ रहा है ना। तो इसको हम सेक्शनिंग देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी अच्छा फाला में सिमेट्रिकल है, ये भी ठीक है ना। तो एक बार जैसे यहाँ पे मेरा ये आ रहा है, तो मैं इसको सेक्शनिंग को घुमा के देखूंगा एक बार, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी आता है, यहाँ पे कभी कभी नहीं आता है, तो मुझे घुमा के देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो घुमा के देखने से क्या होगा, तो ये सब में मेटेरियल सही आ रहा है। देखो यहाँ पे थिकनेस कम है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम है, बाकी तो सब बढ़िया, बट यहाँ पे यहाँ है, बट यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी गैप जो है थोड़ा कम कर देंगे। कभी कभी ये लोग 20 में भी लगाते हैं, ये जो है 20 में ही लगाते हैं, लेकिन मैं 20 में लगाने वाले मना करूंगा आप लोग को। क्यों, इस 20 में लगाते हैं, ये वाला प्रॉब्लम देखोगे आप, यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम देख रहे हो ना, तो ये वाला प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 20 मत लगाओ, वैसे दिक्कत कोई नहीं, अभी ये भी चल जाएगा, बट ठीक है, अपने को सेफ्टी लेके चलना है, जो भी है अपने को सेफ्टी लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी स्केच है थोड़ा सा हम कम कर देंगे, जो आपने ये ऑप्शन मारा है ना, ये वाले जो आपने ऑप्शन मारा था, ये 1.3 का जो ऑप्शन मारा है, तो इसको हम कर देंगे 1.2 का, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा कम से सेफ साइड लेके चलेंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको आप पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर हम जो है इसके थ्रेड बनाएंगे। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार पहले, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा तरफ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो शेप आ गया है, अभी दोस्तों हमको इसमें क्या बनाना है, अभी इसके अपने को थ्रेड डालना है। तो हम आते हैं थ्रेड में, ठीक है। थ्रेड में अपने को क्या क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा अभी, देखो इसमें। तो जो बेसिकली हम थ्रेड यूज करते हैं, तो अलग अलग टाइप का अलग अलग थ्रेड आती है। तो सबसे पहले जो हम लोग थ्रेड बोलते हैं, जो उसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड हम ज़्यादातर यूज करते हैं, जो डाई वगैरह में हम बनाते हैं। फिर हम स्क्वायर थ्रेड यूज करते हैं, फिर हम एक्मी थ्रेड यूज करते हैं, एक्मी भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, आपको पता होगा कहाँ का एक्मी यूज करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, बटरेस करते हैं, बोतल का थ्रेड लगाते हैं, पी सेप लगाते हैं, यूनिफाइड स्क्रू थ्रेड लगाते हैं। तो अलग अलग टाइप का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो आपको कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे कोई टेपर होता है जो फी शेप में होती है, किसमें फी शेप में अगर ऊपर आप उसमें काट देते हो, ठीक है। तो अलग अलग दिखाते हैं, मैं एक बार आपको एक फोटो दिखा देता हूँ कि आप लोग को इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली इसमें हम अलग थ्रेड लगाएंगे, बट मैं जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको एक बार मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ।
तो थ्रेड बनाने से जो बोतल की थ्रेड होती है ना, जो बोतल की थ्रेड होती है जिसको हम बोलते हैं बोतल थ्रेड, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जो आपकी जो थ्रेड होती है ना उसके क्या होते हैं स्ट्रेन प्रॉपर्टीज होती है, समझते हो, स्ट्रेस जो होती है स्ट्रेन होती है उस तरीके से, तो एक स्ट्रेन प्रॉपर्टीज होती है। अब स्ट्रेन प्रॉपर्टीज कैसे निकालती है, जो थ्रेड की मेजर डायमीटर है ठीक है ना, उसको अगर माइनर का जो आपका थ्रेड डायमीटर है, मतलब मेजर थ्रेड डायमीटर से आपका माइनर थ्रेड डायमीटर, उसको डिवाइड कर दो, माइनस कर दो उसको, फिर इसको डिवाइड कर दो माइनस थ्रेड डायमीटर से और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे, चलो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको क्या हुआ, तो मैं बता रहा हूँ। मतलब मेरा बोलने का ये है, जो थ्रेड है आपकी ठीक है ना, उसका मेजर डायमीटर क्या है, मतलब इसका जो अंदर वाली जो मेजर डायमीटर है, फिर इसका जो माइनर डायमीटर है, दोनों का डिफरेंस, मतलब मेजर से आप माइनर को जो थ्रेड बनेगा मेरा, मेजर से इसकी माइनर को माइनस करोगे, फिर जो माइनर थ्रेड है उसको 100 से डिवाइड करोगे, समझ गया ना। तो मेजर और जो माइनर की डायमीटर के जो डिफरेंस आएंगे उसको डिवाइड करो माइनर थ्रेड डायमीटर से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे, जो स्ट्रेन की परसेंटेज है वो निकाल सकते हो। तो हर एक मेटेरियल का अलग अलग होता है। अगर मान लो मैं ABS का यूज करता हूँ, ABS को हम लोग 8 डिग्री का, मतलब 8% का, डिग्री नहीं आएगा परसेंट आएगा, तो 8% का हम स्ट्रेन लेते हैं। अगर आप PS यूज करते हो तो इसमें हम लोग कुछ रहते नहीं है। अगर आप नाइलन यूज करते हो तो 9% का लेते हैं। अगर आप पॉलीएथिलीन यूज करते हो तो 21% लेते हैं उसमें। अगर आप PP यूज करते हो, जैसे मैं यहाँ पे PP यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे 5% लूंगा, ठीक है। तो ये सब निकालना पड़ता है आपको, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा PS होता है और AC तेल आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिकमेंडेड नहीं करते हैं, ठीक है, कोई मतलब रिकमेंडेड नहीं है। तो ये आपके फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक उसमें करके दिखाता हूँ क्या निकालना होता है इसमें, एक बार देख लो। ये बेसिकली इसमें बोतल थ्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो बोतल की थ्रेड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है इसको। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो जो मैं आपको बता रहा था, तो ये मेरा मेरा थ्रेड है, एज्यूम कर लो ये जो मेरा थ्रेड है ये मेरा बोतल थ्रेड है, एज्यूम कर लो आप, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गई, माइनर डायमीटर हो गई और ये मेरा मेजर डायमीटर हो गई। तो दोनों को जो डिफरेंस आएंगे, देखो जो स्ट्रेन निकालोगे ना, जो परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन निकालती है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो मेजर डायमीटर कितना हो गया, मान लो मेरा 1.25 है, माइनर डायमीटर 1.05 है। अब दोनों का बीच में जो थ्रेड जो है, दोनों का बीच में जो डिफरेंस आती है, देखो वन, फिर हम माइनर डायमीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8% निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है थ्रेड की कैलकुलेशन। जब भी डिजाइन करोगे आपको स्ट्रेन पता होना चाहिए, क्योंकि आप भाई उसको डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, मोल्ड डिजाइन वाले का तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं होता है तो फिर गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होती है कि थ्रेड एंगल क्या होती है, पिच क्या होता है, डेप्थ कितना होती है, हेलिक्स एंगल क्या होती है, रूट क्या होती है, सिस क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पूछते हैं इंटरव्यू में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आपको कॉन्सेप्ट समझ गया इसमें, तो हम आगे का करते हैं। जैसे जो हमने दूसरा चीज बात करते हैं, कितना टाइप का थ्रेड होता है और इसकी आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो ये होती है टाइप ऑफ थ्रेड, ठीक है, कहाँ पे फी लगाना है, स्क्वायर कहाँ लगती है, क्या क्या होती है, रेडियस कितना होना चाहिए। तो जिसको भी ये स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, कहाँ पे क्या थ्रेड लगाना है आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप रख लेना या उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, किसके पैरामीटर के हिसाब से ये सब भी चेंज होता है, ठीक है, तो वो आपको पता लग जाएगा, इसको देख लेना तो पता लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है हम इसकी थ्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो आपको थ्रेड बनाने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्ट थ्रेड कमांड यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको थ्रेड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मतलब मेरे कितना नीचे से थ्रेड बनेगा और कहाँ से आ रहा है ये मुझे पहले देखना है, तो मैं कुछ इसके नीचे से बनाऊंगा, है ना। तो इससे पहले मैं इस बॉडी को कर दूंगा स्प्लिट, थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इसको ले जाओ थोड़ा नीचे, 1.1, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया स्प्लिट, अभी के लिए इसको मैं हाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको सॉलिड करना पड़ेगा तभी हाइट होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं लगाना है मुझे थ्रेड, ठीक है। तो मैं जाऊँगा थ्रेड में, सिंपली से मुझे यहाँ पे थ्रेड में जाऊँगा। अब देखो मैं डिटेलिंग थ्रेड लूँगा, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे आपको डिटेलिंग थ्रेड के लिए आपको कुछ चाहिए, राइट हैंड चाहिए, लेफ्ट हैंड चाहिए, तो आपको तो यहाँ पे थ्रेड चाहिए। अब क्या लगाओगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैन्युअली थ्रेड बनाएंगे, तो ये वाला सिस्टम मैं नहीं करूँगा। इसको मैंने गैप इसलिए रखा है कि यहाँ पे ड्राफ्ट है और आगे मैंने कट लगा रखा हो, तो मुझे कितने में नीचे से देखना है वो आपको देखना है, आपके पास वाइनियर है, कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्रेड लगाएंगे। तो जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि यहाँ पे मेरा ड्राफ्ट है, तो यहाँ पे तो थ्रेड लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्ट है मेरा, तो है ना। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अगर मेरा तो ड्राफ्ट है तो मुझे तो थ्रेड लगेगा नहीं,
तो आपको कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको करना क्या है यहाँ पे। इस केस में आप क्या करोगे, तो हम लगाएंगे सबसे पहले हेलिक्स। मैं डायरेक्ट भी बना सकते हो यहाँ पे लेके, लेकिन मैं डायरेक्ट बनाने के लिए मुझे बॉडी बनाना पड़ेगा, तो मैं वैसे नहीं बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे हेलिक्स लूंगा। इसीलिए मैंने जो है इसके हिसाब से वो बनाया था। अब यहाँ पे इसका जो डायमीटर है, एंगल तो ठीक है, सही जाएगा। और यहाँ जो पिच है, पिच का कम करना पड़ेगा मुझे, पिच मैं पास कर दूंगा बस, ठीक है। और इसमें जो लॉ है, डायमीटर है, डायमीटर कुछ 28 mm के आएंगे, देख लो एक बार आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसकी, मैं इसको कर लेता हूँ 26 का, ठीक है। तो मैं थोड़ा अंडर से लूंगा, और अगर आपको चाहते हो तो आप कम कर सकते हो, 27, 26, 25 इज ओके। तो हमने 25 का ले लिया यहाँ पे, और इसको जो है कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लिमिट जो है 30 है एंड पॉइंट, तो इसको हम कर देंगे 10 का, 10 से भी कर देंगे तो। और इसको नीचे से थोड़ा आपको नीचे ले आना है, ठीक है। और ये जो पीच है इसको आप पास कर दो, इस तरीके से छेद रहेगा और ये रहेगा नीचे तक आएगा। अब साथी हो तो इसमें पन्ना भी कर सकते हो, क्योंकि कोई कोई जो है नीचे तक ले जाता है यहाँ पे, है ना, तो नीचे तक भी ले जा सकते हो। हम नीचे तक लेना है तो आप नीचे तक ले जा जाओ, अगर नहीं करना है तो आप 14 करके भी रख सकते हो, देख लो कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ले लिया, ठीक है। तो हम इसको हाइड कर देते हैं अभी के लिए, यहाँ पे मैं सॉलिड बॉडी ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ मैं, इसमें ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो मैं अलग तरीके से क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या ध्यान रखना है आप देखो। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे पॉइंट एंड डायरेक्शन में मैं स्केच लूंगा, ठीक है। ध्यान रखना इस पॉइंट में लेना है आपको, यहाँ पे स्केच में नहीं लेना है, इधर पे नहीं लेना है आपको, पॉइंट पे लेना है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे जो है मैं स्केच ले लूंगा, इसमें लेना है, ये दोनों अलग अलग है। ये मेरा है इनसाइड रहेगा, तो कुछ मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा कि मेरा ये इनसाइड में हो। तो मैं एक सेंटर से जो है एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। अब यहाँ पे कितना ड्राफ्ट क्या करना है अभी मुझे नहीं पता, अब मैं इसको रेंडमली बनाऊंगा, ठीक है। अब रेंडमली मैं बना रहा हूँ, वो आपको देखना है। अभी जो है हम रेंडमली बनाएंगे, बाद में देखेंगे हम मैंने क्या बनाया, उसको क्या चेंज करना पड़ा, ठीक है, उसको हम अभी देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको रैंडमली बनाऊंगा, तो इसको कर देता हूं मैं ट्रिम। सब अलग अलग तरीके से बनाना है, किसी को अलग अलग तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको किसी को आगे पीछे करना है तो यू कैन ड्रैग, अभी के लिए हम वैसे ही रहने देते हैं, अभी के लिए कोई ड्रैग वाले काम खेल नहीं खेलेंगे। अगर खेलना भी है तो खेल सकते हो आप, कितने का ट्रेड है उसके हिसाब से खेल सकते हो। अभी के लिए हम रखने हैं रैंडमली, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे स्वीप इसके अलॉन्ग, ठीक है। तो मैं इसको स्वीप करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हमने हेलिक्स ले लिया, तो मैंने यहाँ पे एक स्केच बना लिया, ठीक है। तो ये स्केच आपके हिसाब से बना सकते हो, जैसे मैंने दिखाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्केच से एग्जिट करवा दे रहा हूँ। अब देखो मैं इसको हाइड करके पहले दिखाता हूँ आपको, ये मैंने ये बनाया। अब जैसे इसको मुझे क्या करना है, स्वीप करना है, तो स्वीप मैं यहाँ से कभी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो एक स्वीप में आपको दो तीन चार कमांड और दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे कार्व सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे गाइड सिलेक्ट करा, बट ध्यान देखना इसमें। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो यहाँ पे ठीक तो मेरा 13 है, ये तो सही बनेगा नहीं। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट करके इसको ला भी रहता हूँ, अब देखो इसके साथ आपको कोई मेल नहीं खाता, मतलब कोई मैच नहीं होता है, देखो गड़बड़ है ना। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर डायरेक्शन लेता हूँ, तो डायरेक्शन मान लो ये देता हूँ, तो छेद देखो यहाँ पे ऐसे कुछ बन जाता है। ये वाला डिजाइन भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सारा किस्म आता है। एनादर काम तो है नहीं। अगर मैं पॉइंट लेता हूँ तो पॉइंट से मेरा बनेगा नहीं। एंगुलर लॉ यूज करता हूँ तो मैं इसको घुमा सकता हूँ। देखो एंगुलर लॉ अगर यूज करता हूँ मैं यहाँ पे मान लो 20 डिग्री, तो मैं इसको 20 डिग्री घुमा सकता हूँ स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देखो घूम गया 20 डिग्री, तो ऐसा मैं इसको घुमा सकता हूँ। बट इस केस में मैंने इसको सेक्शन काटने का यही फायदा हुआ, मैं क्यों काटा सेक्शन, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली फेस नॉर्मल करके यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब देखो दोस्तों मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको अभी के लिए यूनिट कर दे रहा हूँ, ठीक है।
अब आप यूनिट करने से पहले एक चीज और ध्यान रखना, यूनिट तो मैंने कर दिया यहाँ पे, मेरा फेस नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है मेरा, देखो मेरे थ्रेड में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम काम करेंगे थ्रेड में, मेरा क्या दिक्कत नहीं है, क्या मैं काम करूंगा, आप देखो इस पे पहले, तो उससे पहले मुझे थ्रेड की जो है ये देखना है मुझे, थोड़ा थोड़ा ठीक मैंने बनाया। अब इसको मुझे ये देखना है इसके कितना मेरा एनालिसिस करके मैं देख लेता हूँ मेरा कितना रेडियस का है, कितने का आ रहा है, 11.02 का आ रहा है ना, 11.2 का आ रहा है, ठीक है। अब इसका कितना आ रहा है, 12.4 का है, तो छेद थोड़ा मेरा ज्यादा है, तो थोड़ा मैं अंदर ले सकता हूँ। अगर लेना है तो यहाँ वाला ये जो स्केच बनाया आपने, ये स्केच में जाके इसको ठीक कर सकते हो, और थोड़ा सा अंदर लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है, लगता है तो इसको मैं थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। तो अब देखो छेद थोड़ा कम हो गई, मेरा छेद का जो डायमीटर है कम हो गई, ठीक है, अब मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं बाकी के पार्ट को यूनिट कर दूंगा, डन। अब अपने को इसको यूनिट करना है बस। अब देखो यहाँ पे जो है इसको रह गया, इसको मुझे ठीक करना है, तो इसको भी हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसके पास जो स्केच है, प्लान है, इसको मैं हाइड कर लूंगा सबसे पहले, तो ठीक है। तो मैं आपके जो है कॉन्सेप्ट है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको जो है मुझे आगे बढ़ाना है, तो ये मैं कुछ इस तरीके से बढ़ाऊंगा, ऑफसेट कर लूंगा, ये कितना कर लूँ, 5.2 या 3 ऐसा कुछ होगा आई गेस, देखते हैं कितना होता है। सही है, 5. यहाँ पे 5.25 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हम जो है इसका 5.25 जो है मैं आगे से वो कर दिया हूँ, तो अभी मैं यहाँ से थ्रेड जो है मेरा लग जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से कार्ड भी लगा सकते हो अगर अपने हिसाब से, मैं इसमें कार्ड नहीं लगाऊंगा, तो आप अगर कार्ड लगाना है तो यहाँ से आप कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत से लोग जो है इसको ऐसे मतलब खत्म कर देते हैं, बट मैं इसको खत्म नहीं करूंगा ऐसे, तो अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, देख लो आप कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। तो मेरा मोशन जो है कंज्यूम हो गई यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मेरा थ्रेड जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा थ्रेड खत्म हो गया, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे खत्म कर दिया। तो कभी मैंने ऐसे बनाए नहीं है बेसिकली, जितना भी मेरे पास काम आता है तो मैं स्कैनिंग करके बनाता था, तो हम हमेशा स्कैनिंग करके बनवाते हैं, तो इस तरीके से ठीक है। तो ये भी ऐसे बना सकते हो आप, अगर इसको आपको ऐसे नहीं बनाना है तो यहाँ पे काट करके भी बना सकते हो आप, जैसे डायरेक्ट काट करो वैसे ही बना सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसको कर लिया है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। अभी मैंने थ्रेड का पैरामीटर नहीं लगाया है, आपको अगर थ्रेड का पैरामीटर लेके बनाना है, कितने 1 mm का लगाना है, पीपी में लगा सकते हो 1 mm, तो आप वो लगा सकते हो। अभी मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से बनाना है, बाकी आपको बना सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा कितने mm का बन गया है, यहाँ पे जाके सिंपली देख सकते हो जो इंटरनल होता है। तो ये मेरा कुछ बना है 25 के अप्रोक्सीमेटली बना है मेरा, ठीक है ना। तो 25 का हमने बनाया इसको, ठीक है। तो ये है, तो हम इसके जो मोल्ड डिजाइन के लिए लाओगे तो श्रिंकेज विंकेज डालोगे इसमें, बाकी काम करोगे आप, ठीक है, इसके हिसाब से इस तरीके से आप बनाओगे डिजाइन जो है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो ये वीडियो में बेसिकली मेरा एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको समझाना था, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या पैरामीटर देखना पड़ता है, तो सारा कुछ टॉपिक जो है हम इसमें डिस्कस किए। तो इस वीडियो में मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि मैं थ्रेड कैसे बनाए, क्या क्या थ्रेड यूज़ करते हैं, कहाँ पे क्या पैरामीटर होती है। बेसिकली ये मैं प्लास्टिक के लिए यूज़ कर रहा था, जितना भी मोल्ड थ्रेड होती है उसकी अलग स्टैंडर्ड आती है, आपको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिलता है, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कुछ कमेंट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी पेड ट्रेनिंग लेना है, जो भी पेड क्लास आते हैं, डायरेक्ट मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी इसलिए डालूंगा, वहाँ पे मैं जो है जॉब वैकेंसी वगैरह डालते रहता हूँ, जो भी जॉब वगैरह के लिए सही है वो डायरेक्ट मेरे से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इंस्टाग्राम में अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी मैं पोस्ट डालता हूँ इंस्टाग्राम में आपको अपडेट मिल जाती है, वहाँ पे मैं जो स्टोरी लगाता हूँ वहाँ पे जॉब वैकेंसी का मिल जाएगा, डायरेक्ट मैं कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप कंपनी में डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।